बाबा की अंतर द्वार, उड़ जा प्यारी वतन में नीले अंबर के उस पार पंछी ने। आज जैसे ही बाबा के पास जाना हुआ, तो बाबा ने बहुत प्यार से कहा, आओ बच्चे आओ। ऐसा कहते ही स्वतः जैसे चारों तरफ स्नेह का प्रभाव, उस स्नेह का प्रभाव सा वातावरण में महसूस करने लगे। साथ ही बाबा ने कहा, आज बाबा अपने बच्चों से छोटी सी रूहान कर रहे थे, पूछ रहे थे, कि बाबा के बच्चे ब्राह्मण बच्चे अपना एक एक संकल्प श्रेष्ठ बनाते हैं या गंवाते हैं, क्या करते हो। पापा ने बहुत सुंदर बात कही कि बच्चे, ब्रह्मा बाप के लिए तो गायन है, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची और आप ब्राह्मण बच्चे उसके मददगार। तो आपका एक एक संकल्प बाबा के कार्य में सफल हो रहा है, ये देखो, श्रेष्ठ बनने और बनाने में समय यूज हो रहा है, क्योंकि संकल्प और समय साथ साथ, संकल्प सफल तो समय सफल, और संकल्प अगर श्रेष्ठ नहीं तो समय भी किस में जाएगा, वो भी जमा में नहीं जाएगा। ये दो खजाने जमा में बहुत करते हैं और साथ साथ कभी कभी अगर संकल्प बाबा की याद के प्यार के सेवा के पवित्रता के आगे बढ़ने के नहीं है, तो कभी गिरावट की ओर भी ले जाते। तो बाबा साधारण संकल्पों के लिए भी कहते हैं नहीं, वो भी समय नहीं। अब साधारण भी नहीं चाहिए, लेकिन एक एक संकल्प बहुत श्रेष्ठ, न संकल्पों में कोई और हो, न हम किसी और को देखें जो समय जाए। आपके अंदर सिर्फ संकल्प में बाबा। तो बाबा ने कहा,
कि ये तो वैसे भी मम्मा मास है ना, तो मम्मा ने क्या किया, हर संकल्प में बाबा को अपने साथ रख। तो जैसे बाबा ये कहते हुए एकदम जैसे न्यारे प्यारे, साथ ही साथ दृष्टि से जैसे शक्ति दे रहे हो, फिर बाबा बोले ठीक है ना बच्चे, और उसके बाद जैसे बाबा ने कहा आपकी दुनिया के हालात तो कैसे हैं, अब इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है तो आपके संकल्पों का सहयोग तो करना है ना, सफल करने हैं ना, नहीं तो बुद्धि आपकी भी उसी दुनिया में रहेगी तो आपका क्या जमा होगा। तो सफल करो। फिर जैसे बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा भी स्नेह से जैसे दृष्टि देते रहे और हम नीचे आ गए।